हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक के बारे में जानेंगे। रिसेंटली लोकसभा की 17वीं जनरल इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी में बिमस्टेक कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया गया था, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानते हैं बिमस्टेक कंट्रीज के बारे में। बिमस्टेक में 7 कंट्रीज हैं: नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडिया। बिमस्टेक ग्रुप के अंदर मोस्ट कंट्रीज बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग नेबर्स हैं, जिसमें से नेपाल और भूटान ये दोनों लैंडलॉक नेशंस हैं। बिमस्टेक एक मल्टी सेक्टर टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसकी कंबाइंड जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। दुनिया की 22% आबादी बिमस्टेक कंट्रीज में रहती है और बिमस्टेक की एवरेज ग्रोथ रेट 6.5% से ज्यादा है। बिमस्टेक में पाकिस्तान का ना होना और साक के फेलियर के बाद इंडिया के लिए बिमस्टेक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिमस्टेक और आसियान नेशंस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप भी करेंगे। बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी के पास के देश का एक सब रीजनल ग्रुप है, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है। भूटान और नेपाल दोनों लैंडलॉक नेशंस हैं। टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं बिमस्टेक की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। 6 जून 1997 को एक नया रीजनल ग्रुपिंग बनाया गया था, जिसे बैंकॉक में बनाया गया और कहा गया बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर और उस समय म्यांमार इस ग्रुप का ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट था। लेकिन 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार इस ग्रुप का फुल फ्लेज मेंबर बन गया, जिससे ये ग्रुप बना बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1998 में नेपाल इस ग्रुप का ऑब्जर्वर मेंबर बना और फेब 2004 में नेपाल और भूटान दोनों इस ग्रुप के मेंबर बन गए थे। फिर 31 जुलाई 2004 को इस ग्रुप का नाम चेंज करके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखा गया। 2014 में बिमस्टेक का परमानेंट सेक्रेटरिएट को ढाका, बांग्लादेश में ओपन किया गया। जानते हैं बिमस्टेक के समिट्स के बारे में। तो बिमस्टेक का सबसे पहला समिट 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुआ था। दूसरा समिट 13 नवंबर 2008 को इंडिया में नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा समिट 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली इंडिया में हुआ था। तीसरा समिट 4 मार्च 2014 को म्यांमार के नाइपी तो में कराया गया था और चौथा समिट 30 और 31 अगस्त 2018 को नेपाल के काठमांडू शहर में हुआ था। 2018 से बिमस्टेक की चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है, जो बिमस्टेक की फिफ्थ समिट को होस्ट करेगा। बिमस्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल है एम्बेसडर मोहम्मद शहीदुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के हैं। जानते हैं बिमस्टेक के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। बिमस्टेक एक रीजनल ग्रुपिंग है, जिसके अंदर 14 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हर एक सेक्टर को एक कंट्री लीड करती है, जिसके अंदर वो एक दूसरे को ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन एंड टेक्निकल फील्ड्स में। 1997 में बिमस्टेक द्वारा 6 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो थे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी एंड फिशरीज। लेकिन 8th मिनिस्टर
बिम्स्टेक की 8th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में 7 नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था और ऐड किया गया था। ये थे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड कल्चरल कोऑपरेशन। 2014 में क्लाइमेट चेंज 14 सेक्टर था जिसे ऐड किया गया था। इनमें से इंडिया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे सेक्टर्स को इंडिया लीड करता है। इसके अलावा बिम्स्टेक ग्रुप ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 में कंडक्ट की थी। ये पहली बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज थी जो इंडिया ने कंडक्ट कराई थी। इसे कंडक्ट कराया गया था नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा और ये कंडक्ट कराई गई थी दिल्ली और NCR एरिया में। मिलिक्स 18 एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें बिम्स्टेक कंट्रीज की आर्म फोर्सेस ने, आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट की थी ऑन पुणे महाराष्ट्र में। इस एक्सरसाइज में सभी कंट्रीज ने एक्टिवली पार्ट लिया था, नेपाल और थाईलैंड के अलावा इन्होंने अपना एक ऑब्जर्वर भेजा था इस एक्सरसाइज में। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज से बिम्स्टेक कंट्रीज के आर्म फोर्सेस के बीच इंटर ऑपरेटेबिलिटी इम्प्रूव होगी जिससे बे ऑफ बंगाल के एरिया की रीजनल सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी। 2014 के बाद देखा गया था गवर्नमेंट का फोकस बिम्स्टेक की तरफ बहुत ही ज्यादा है। गवर्नमेंट की एक्टिस्ट पॉलिसी की बात हो या कनेक्टिविटी की बात हो, बिम्स्टेक की तरफ इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा फोकस रहा है। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये हाईवे इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। ये हाईवे इंडिया के मणिपुर स्टेट के मोरे को थाईलैंड के मैसौर से कनेक्ट करेगा। ये इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा और इंडिया की कनेक्टिविटी आसियान कंट्रीज के साथ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया के कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेगा। सितवे पोर्ट से इंडिया अपने गुड्स को कलादान रिवर के थ्रू मिजोरम भेज पाएगा। कलादान को इंडिया एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ज्यादा एनहांस होगी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है उस पर डिपेंडेंस कम होगी जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट BVIN, ये इंडिया की, बांग्लादेश की, भूटान की और नेपाल की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगी। BVIN पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इनहेंस करेगा और पैसेंजर्स एंड व्हीकल्स को इजी एक्सेस मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। जानते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और करेंसी के बारे में। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। भूटान के किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोबगोय, कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है नगुलतुरुम। म्यांमार के प्रेसिडेंट है विन मियन और कैपिटल है नाइपी तो, करेंसी है बर्मीज कयात। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे, कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। थाईलैंड के किंग है वजीरा लोंगकोर्न, प्राइम मिनिस्टर है प्रयात ओ चा और कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत। नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपी। इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, कैपिटल है नई दिल्ली और करेंसी है रुपीज। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।